YouTube के दो जबरदस्त अपडेट आ चुके हैं और यही अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर दोस्तों, अपडेट सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम आईडी पर आप पूछ सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर भी जरूर विजिट करें। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी वेबसाइट का। तो दोस्तों, सबसे पहला अपडेट, अभी तक क्या होता था कि आपको ये पता नहीं चल पाता था कि YouTube आपको 1000 व्यूज का कितना पैसा दे रहा है। मतलब आप एक वीडियो का तो निकाल सकते थे बट पूरे चैनल का आप पता नहीं कर सकते थे कि आपको 1000 व्यूज का कितना पैसा YouTube अभी दे रहा है। बट दोस्तों, अभी YouTube ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है। आप क्रोम में अपने चैनल को ओपन करेंगे, चैनल ओपन करने के बाद आप लेफ्ट साइड पे एनालिटिक्स का ऑप्शन आएगा, एनालिटिक्स पर आप क्लिक करेंगे। एनालिटिक्स पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा रिवेन्यू का, रिवेन्यू पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा आरपीएम का। अब दोस्तों, ये जो आरपीएम का फीचर है ये यूट्यूब ने लॉन्च किया है। आरपीएम का मतलब है रिवेन्यू पर 1000, यानी 1000 व्यूज का आपको यूट्यूब कितना पैसा दे रहा है। जैसे ही आप आरपीएम पर क्लिक करेंगे तो आपको डॉलर्स में बताया जाएगा कि आपको 1000 व्यूज का कितना डॉलर यूट्यूब पे कर रहा है। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा फीचर यूट्यूब ने लॉन्च किया है। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके चैनल पर 1000 व्यूज का कितना पैसा मिल रहा है। दोस्तों, जो दूसरा अपडेट है वो भी बहुत अच्छा अपडेट है और वो है वीडियो ब्लर को लेकर के। दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आप उसको ब्लर करना भूल गए हैं और वो आपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए तो आपको यूट्यूब पर ब्लर करने का ऑप्शन दिया जाता था। बट दोस्तों, वो ऐसा था कि वो कभी वर्क कर देता था और कभी वर्क नहीं करता था। लेकिन अब YouTube का कहना है कि हम उस अपने ब्लर वाले ऑप्शन को इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर देंगे कि वो हमेशा जो है वर्क करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी वर्क कर दिया, कभी वर्क ना किया, कभी सेव हो गया, कभी सेव ना हुआ। YouTube का कहना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे किसी का फेस हो, चाहे नंबर प्लेट हो, या कोई भी अदरवाइज इन्फॉर्मेशन हो जिसको आप नहीं दिखाना चाहते व्यूवर्स को और आप एडिटिंग के दौरान उसको ब्लर करना भूल गए हैं, तो अब आप YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद भी उसको ब्लर कर सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपके व्यूवर्स तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों, दोनों अपडेट मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये अपडेट आपको कैसे लगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।